आज हम बात करेंगे कि पुरुष अपना परफॉर्मेंस कैसे बड़ा कर सकता है, अच्छा कर सकता है, उसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ, महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोगों को सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने की बहुत इच्छा है मगर नहीं कर सकते। उनको सेक्सुअल पावर बढ़ाना है, स्टेमिना बढ़ाने का है, ज़्यादा एन्जॉयमेंट करना है मगर वो नहीं कर सकते। तो उसके बारे में मैं कुछ 15 टिप्स आपको बताऊंगा, जो आप उसका पालन करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो नंबर एक, एंग्जाइटी कम करनी पड़ेगी। बहुत चिंता, फिकर, एंग्जाइटी, वरी, टेंशन सेक्स के बारे में होती है। बाकी भी जो बहुत ज़्यादा टेंशन दिमाग के ऊपर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेन है तो भी फर्क पड़ता है, तो वो कम करना जरूरी है। एंग्जाइटी कम करते हैं, बाहर की अंदर की सेक्स के बारे में की फायदा हो जाएगा। नंबर दो, रिश्ते पति पत्नी के बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। यदि बहुत अच्छे रिश्ते दोनों के हैं तो वो रिश्ते अच्छे रहने से रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाती है। मगर दोनों में तनातनी है, जमता नहीं है, पट्टा नहीं है, तू तू मैं होते रहती है, ज़बरदस्ती साथ में रह रहे हैं तो प्रॉब्लम आता है। नंबर दो। नंबर तीन, आपका अल्कोहल इंटेक जो है वो आपको कम करना होगा, अल्कोहल इंटेक कम करना है। नंबर चार, स्मोकिंग बंद करना होगा क्योंकि निकोटीन जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहता है। नंबर पांच, आपका व्यायाम, एक्सरसाइज, यदि वो एक्सरसाइज आप करते हैं, आप फिट हैं, आपका स्टेमिना अच्छा है फिजिकली, तो आप बेड पे अच्छा टिकेंगे। नंबर छः, फोर प्ले के ऊपर ज़्यादा फोकस करना जरूरी है। फोर प्ले, काम क्रीड़ा करना, 5 से 10 मिनट, 5 से 15 मिनट, तो वो फायदेमंद रहती है। नंबर सात, आप स्टॉप स्टार्ट टेक्निक करते हैं, स्क्वीज टेक्निक करते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है और आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा टिक सकता है। आठ, 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। यदि आपके आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा नींद है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, सेक्स होगा नहीं या उसमें प्रॉब्लम आएगा, तो 7 से 8 घंटा नींद होना जरूरी है। नंबर नौ, मेडिटेशन, यदि आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, ध्यान करते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, दिमाग शांत होता है और आपका बेड पर टिकना ज़्यादा समय हो सकता है। नंबर 10, हिप्नोथेरेपी, सेल्फ हिप्नोटिज्म, सजेशंस देना, आत्म सुझाव देना और उसकी प्रैक्टिस करना हिप्नोथेरेपी की, और वो हिप्नोथेरेपी में विजुलाइजेशन आप करते हैं, प्रैक्टिस करते, विजुलाइज करके, तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नंबर 11, सुसंवाद, ओपन कम्युनिकेशन विद पार्टनर, जो भी आपको प्रॉब्लम है पार्टनर को बताना जरूरी है। जो भी प्रॉब्लम, जल्दी गिर जाता है, इरेक्शन में प्रॉब्लम है, जो भी आपको गिल्ट फीलिंग है, जो भी, क्योंकि यदि आपका कम्युनिकेशन ओपन नहीं है, सुसंवाद नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मलम या स्प्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मलम स्प्रे का इस्तेमाल आप करते हैं तो उससे पेनिस नम होता है और उससे आप लंबे समय तक टिक सकते हैं। या कुछ आयुर्वेदिक ऑयल आते हैं जिससे मसाज आप करते हैं तो इरेक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा समय तक चल सकता है। नंबर 13, बी प्रेजेंट, आप यदि प्रेजेंट नहीं हो, वो काम क्रीड़ा में, वो सेक्स में आप प्रेजेंट नहीं है, आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, दिमाग में और कुछ विचार चालू है, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। सो बी प्रेजेंट एंड एन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट। नंबर 14, बहुत ही ज़्यादा यदि समय कम है तो आप टेम्पररी उपाय मास्टरबेट कर सकते हैं, हस्तमैथुन कर सकते हैं, हस्तमैथुन करके बाद में सेक्स करते हैं तो आपकी पावर ज़्यादा समय तक टिक सकती है। नंबर 15, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है दवाइयाँ, मेडिसिंस। कुछ मेडिसिन ऐसे हैं कि जो इरेक्शन करने में बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसे कि इरेक्शन होने के बाद में जल्दी गिरना नहीं चाहिए उसके लिए फ़ायदेमंद रहते हैं, तो मेडिसिन आप लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दवाई से, गोलियों से फायदा होता नहीं, तो पेनिस में इंजेक्शन हम देते हैं, इंजेक्शन से भी इरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है और बहुत समय तक टिकता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये है टोटल 15 टिप्स मैंने आपको दिया कि जो टिप्स का पालन आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्टेमिना, आपका सेक्स पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर केळकर नाम का, फ्री डाउनलोडिंग उपलब्ध है, जिसमें आप क्वेश्चंस, सवाल जवाब कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियोज आपको मिल सकते हैं। सो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।